थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ। वैसे भी बता दे तो कि आज मैं फोटो को कलर ग्रेडिंग बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल से हम जाते हैं ओपन पे, हम सिंपल से फोटो को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा कलर कोड में है और यहाँ पे ये है, तो ये मेरा फोटो है। इसको मैं सिंपल से कलर क्रिएशन करने वाला हूँ। तो सिंपल से हम इस फोटो को यहाँ से डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं, कंट्रोल जे कर करके यहाँ से हम डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे ऊपर वाला फोटो सेलेक्ट रहना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको फिल्टर में जाना है, ठीक ना। आपको फिल्टर में जाना, फिल्टर में जाने के बाद आपको कैमरा रो फिल्टर में जाना। आपको फोटोशॉप 90 से इधर होगा तो सब में ऑप्शन यही है, और यहाँ पे कैमरा रो फिल्टर में आपको जाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे मेरा पॉपअप एक खुलेगा, तो यहाँ पे पॉपअप खुल गया होगा, यहाँ पे मेरा पॉपअप एक खुल गया है। तो अब इसको कुछ नहीं करना है। अगर 2090 आपका फोटोशॉप होगा तो यहाँ पे कुछ दूसरा दिखाई दे होगा, तो घबराना ना है, आपको बेसिक में जाना, ठीक ना। बेसिक में जाना है, आपको कुछ नहीं यहाँ पे करना है, एक्सपोजर के आपको बढ़ा लेना है, ठीक ना। एक्सपोजर एक में से बढ़ा लेते हैं, हल्का 0.25 बढ़ा लिया। कंट्रास्ट के बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे हम 12 ले लेते हैं, 12 नहीं 20, 19 20 कर लेते हैं, यहाँ पे 20 कर लिया, ठीक ना। अब यहाँ पे शेडो हाईलाइट के कुछ नहीं करना, हम शेडो को 2 कर लिए, हम बढ़ा लिए, ठीक ना। अब यहाँ पे वाइट हल्का बढ़ा लेते हैं भाई, इसमें इस फोटो में बहुत हो, यहाँ पे हम 30 कर लिए, ठीक ना। फोटो को लाइट को हम 30 कर लिए, ठीक ना। ब्लैक को हल्का सा बढ़ा लेते हैं, ब्लैक यहाँ पे बढ़ गया। अब इसको टेक्स्चर, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक ना। टेक्स्चर को, वाइब्रेंस को, सैचुरेशन को, यहाँ से आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना, ठीक ना। अब यहाँ से कर्व के हम छोड़ देते हैं, कर्व भी नहीं बताते हैं, कहोगे तुम क्या बता रहा है इतना माथा चाह गया। डिटेल्स के भी छोड़ देते हैं, ठीक ना, डिटेल्स के भी छोड़ देते हैं। तो हम सिंपल से जाते हैं कलर मिक्स में। आपको फोटोशॉप जो यूज कर रहे हो, कलर मिक्स आपको जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर चले जाना, ठीक ना। तो इसको हम कुछ नहीं करते हैं, हम रेड वालों को सिंपल से हम हल्का बढ़ा लेते हैं सैचुरेशन, हल्का सा। ऑरेंज वालों को बढ़ा लेते हैं हल्का सा, ठीक ना, हल्का सा येलो वाला को बढ़ा लेते हैं, ठीक ना। यहाँ से ग्रीन को देख लेना, तो हम ग्रीन वालों को बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे देख लेना ग्रीन है, जोन जोन फोटो में कलर रहेगा उसको छेड़छाड़ कर देना। तो एक वस भी हल्का हल्का, तो उसको भी बढ़ा लेते हैं। ब्लू को हम छोड़ देंगे, चाहे चेक कर लेते हैं हल्का, 10 कर लिया इसको भी। पर्पल है, जी हाँ पर्पल है, इसको बढ़ा लेते हैं। अब हेयू में जाते हैं, ठीक ना। अब देखना है कि फोटो में हेयू हमको कौन सा आती है, तो मैं रेड का हल्का सा छेड़छाड़ कर देता हूँ, तो मेरा ये चाहिए, ठीक ना। ऑरेंज को बढ़ा लेते हैं हल्का हल्का सा एकदम, इसको बढ़ा लिया, ठीक ना। येलो को हम हल्का सा डाउन कर लेते हैं, और ग्रीन वालों को आपको इधर कर देना, ठीक ना। पूरा डाउन कर लेते हैं इस फोटो के हिसाब से, हम डाउन कर लिए, इतना कर लिया। और एक वस के भी हल्का सा डाउन कर लेते हैं भाई, अब इसमें छोड़ देना, ठीक ना। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अब सिंपल से चले जाना है कलर ग्रेडिंग में। आपको यहाँ पे देख लेना है, अब सिंपल से चले जाना है कलर ग्रेडिंग में। अब यहाँ पे छेड़छाड़ करना है, तो हम सिंपल से क्या कर लेते हैं, मिड पॉइंट को हम करते हैं येलो की तरफ, ठीक ना। आपको हिसाब से देख लेना है कि कहाँ पे मेरा सेट ठीक हो रहा, तो मैं यहाँ पे कर लिया मिड पॉइंट को, ठीक ना। अब शेडो के हम हल्का सा लेते हैं, एकदम हल्का सा, एकदम हल्का सा, नो मात्रा का बढ़ाते हैं, एकदम 0. कुछ कुछ करके बढ़ाते हैं, हम इसको येलो तरफ लाते हैं। और यहाँ पे हाईलाइट है, हाईलाइट को आप जिस हिसाब से करोगे उस हिसाब से आपको बढ़ेगा, ठीक ना। तो ये मैं यहाँ पे कर लिया, अब यहाँ कर लिया। अब यहाँ पे ब्लेंडिंग आपको बैलेंस करना है कि आपको कितना बढ़ाना है, इस हिसाब से आपको कर लेना है। तो मैं इसको वाइब्रेशन को भी बढ़ा लेता हूँ हल्का सा। तो देखिए यहाँ पे फोटो में कुछ रियलिटी आ गया, मैं आफ्टर और बिफोर करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, पहले था और अब हो गया, कैसा देख रहे हो ना। तो हाँ, तो इस फोटो में अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप ऑप्टिक्स के भी छोड़ सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर जानते हो तो कर सकते हो। इसमें भी कैलिब्रेशन में हम जाते हैं, ठीक ना, कैलिब्रेशन के देखना है, ठीक ना। सिंपल से हम कैलिब्रेशन में हम देखते हैं, टिंट के सैचुरेशन को हम हल्का सा बढ़ा देते हैं सबको, ठीक ना, रेड वालों को हल्का सा सैचुरेशन बढ़ा देते हैं, ग्रीन वालों के सैचुरेशन को बढ़ा लेते हैं, हेयू हल्का देख लेते हैं हल्का फुल्का। तो यहाँ पे तो हो गया, ठीक ना, सैचुरेशन इसका भी हल्का, इसका भी। अब देखो मेरा फोटो कलर ग्रेडिंग हो गया पहले और अब, मैं डिफरेंस दिखाओ कितना मस्त है, ठीक ना। तो ऐसे ही आप भी कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, सीखने के ऊपर है, आप जितना अच्छा सीखोगे उतना अच्छा कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, ठीक ना। तो मैं सिंपल से कुछ नहीं किया हूँ इस फोटो में, इस फोटो में हम सिंपल से कुछ नहीं किया हूँ, सिंपल से हम गए हैं यहाँ पे फिल्टर में गए हैं, कैमरा रो फिल्टर में गए हैं। कैमरा रो फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे पॉपअप आपको खुलेगा, ठीक ना।
और यहाँ पे बेसिक में हम छेड़छाड़ किए हैं, ठीक ना, बेसिक में छेड़छाड़ किए हैं। और इसमें बेसिक में छेड़छाड़ करने के बाद इस सब के छोड़ दिए, कलर मिक्स में छेड़छाड़ किए हैं, ठीक ना, सेचुरेशन हाई के अलूमिनियम इस समय आपको लाइट कम होगा तो आप लाइट भी बढ़ा सकते हो, हमको ऑरेंज को बढ़ाना चेहरा के लाइट को, तो लूमियस में आ जाते हैं हमें, यहाँ पे हल्का सा बढ़ाते हैं, देख लो यहाँ पे लाइट बढ़ गया, ठीक ना। तो यहाँ से आप छेड़छाड़ कर सकते हो, ठीक ना, तो यहाँ पे कर लिए। अब हल्का सा हम बताएं कलर ग्रेडिंग, कलर ग्रेडिंग इसमें बेस्ट बताएं, आपको मिड पॉइंट बता दिए, शेडो बता दिए हैं और हाईलाइट बता दिए, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, बहुत मस्त होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे कोलिब्रेशन में गए, हल्का सा सेचुरेशन हाई के बढ़ा दिए सब चीज के, और सिंपल से हम ओके कर दिए और कुछ नहीं किए, ठीक ना। तो यहाँ पे मेरा कलर ग्रेडिंग हो गया। अब पहले अवाब में तो डिफरेंट पता चल ही गया होगा कि मैं क्या क्या किया हूँ, ठीक ना। तो पहले अब, ठीक ना, तो आज के वीडियो यहाँ तक, अगर वीडियो पसंद आई लोगों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो यहाँ तक, मिलते हैं अगला वीडियो में।